दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। क्या है यह नया कानून? इस कानून से दिल्ली को क्या होगा फायदा? दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह का राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यह कानून बन गया। इससे पहले मई में अध्यादेश लाया गया था। हालांकि विधेयक में धारा 3A को हटा दिया गया है। धारा 3A अध्यादेश में थी। ये धारा कहती थी कि सर्विसेज पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। यह धारा उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देती थी। यह अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये सिफारिश उपराज्यपाल को की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी ये अथॉरिटी ही करेगी। अथॉरिटी की सिफारिश पर आखिर फैसला उपराज्यपाल का होगा। अगर कोई मतभेद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।